पहली बात कि वो डॉक्टर हैं और पढ़ी लिखी हैं, तो पूरी बिहार की जनता पढ़े लिखे लोगों को इस बार चुनाव में रिकॉर्ड मत बहुत से जिताने का काम करेगी। और जिस तरीके से हमारी जो बड़ी दीदी हैं रोहिणी दी, वो पूरे तन मन हर एक तरीके से और पूरे लोग, पूरे हिंदुस्तान की जनता और पूरे देश भर की जनता ने देखने का काम किया है कि एक बेटी होने का जो उन्होंने फर्ज को निभाने का काम किया है, तो जितने भी लोग हैं उनसे प्रेरणा लेना चाहिए सभी लोगों को, और उनके तरफ जनता देख रही है। सारण की आदरणीय पूजनीय जितनी महान जनता है सब उनके तरफ देख रही है, तो कल बहुत जबरदस्त होने वाला है। रूडी जी कह रहे हैं कि टूरिस्ट है, रिटर्न टिकट कब का है, सिंगापुर नहीं, बिहार, देखिए बिहार में जहां रूडी जी भी वहीं से आ रहे थे, तो कई एक पब्लिकों का भी इंटरव्यू में पूछा गया कि रूडी जी ने कुछ काम किया, तो उन्होंने, पब्लिक ने कहा रूडी जी के बारे में कि रूडी जी तो अपना चेहरा ही नहीं दिखाते हैं। रूडी जी जब पब्लिक से हाथ मिलाते हैं तो डिटॉल से हाथ धो लेते हैं, तो रूडी जी जब चेहरा ही नहीं दिखाते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, वो तो पायलट हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं वो, तो जो हवाई जहाज में उड़ता हो वो धरातल का परेशानी क्या जानेगा। तो इसलिए इन लोगों से, ये लोग हवा में उड़ जाएगा, कौन रूडी है कौन क्या है, तो ये लोग हवा में उड़ने वाले लोग हैं। अरे क्या जेल में वो डालेंगे, सम्राट चौधरी जी भूल गए हैं कि सकनी मामा के बेटे हैं वो, महाभारत में जो दोनों भाइयों को लड़वाने का काम किया, महाभारत करवाने का काम किया, तो सकुनी मामा के ही पुत्र हैं, तो सम्राट जी बेल मुंडवा लें और चले जाएं राम जी का दूध से अभिषेक करने अयोध्या, और वहां बाबा बन जाए, जो पगड़ी जो बांध रहे हैं तो बेल मुड़वा लें, टिक रख लें बड़ा बड़ा टिक, तो ये करके हमको दिखा दें। मैं ये चैलेंज करता हूं कि अगर वो करके दिखा देंगे तो मैं उनको मान जाऊंगा, तो ये करके दिखाएं। हम ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जी अपना बेल मुड़वाइए, टिक रखिए, कमंडल लीजिए, अगर आप सही में हिंदू के पुजारी हैं तो आज हम आपके चैनल के माध्यम से उनको हम चैलेंज करते हैं, ये करके दिखाइए आप, तब हम आपको मान जाएंगे। प्रधानमंत्री जी को लालू जी से मोह है, लड़ाई अलग चीज है, वो तो हमारे सिस्टर की शादी में सफाई भी आए थे जिसमें मुलायम सिंह जी भी थे, नरेंद्र मोदी जी भी थे, व्यक्तिगत संबंध सबसे होते हैं, तो वो नरेंद्र मोदी जी आके लालू जी का प्रचार कर रहे हैं वो अंदर से, इसीलिए वो बार बार खिंचाव होता है लालू जी के प्रति, क्योंकि उन्हीं के बदौलत वो भी प्रधानमंत्री बने। चलिए क्योंकि तीर उनका हवा में उड़ गया ना, तीर कोई पूछ नहीं रहा है, और कमल भी उड़ने वाला है बहुत जल्दी, तो कमल को पकड़ के वो चले जाएंगे आकाश में। कहते हैं लालटेन से मोबाइल चार्ज नहीं होता है प्रधानमंत्री। अरे लालटेन से क्या नहीं होता है, वो तीर लेके घूम रहे थे, तीर तो लोग का हत्या करता है, पेट में घुस जाता है तीर, और लालटेन उजाला करता है, तभी हमारा बिहार का जो जनता है, युवा नौजवान पढ़ता है रात में उसी लालटेन को जला के। बिजली कहाँ पहुंच रहा है, बिजली कहीं पहुंच रहा है, चारों तरफ गांव में अंधेरा रहता है, तो लालटेन जला के पड़ता है ना।